हेलो वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू GKM नर्सिंग करियर पॉइंट। स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी ये रहने वाली है कि जो अभी इसके पहले जो एग्ज़ाम हुई थी, किसकी एग्ज़ाम हुई थी? CHO की, यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की जो एग्ज़ाम हुई थी, उस वैकेंसीज के लिए जो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, जो कुछ स्टूडेंट पूछ रहे सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे क्या होंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे क्या इसमें प्रोसेस रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये जो वैकेंसीज दी गई है, जैसे आप यहाँ पर खोलेंगे, जैसे आप वेबसाइट को वो देख सकते हैं www.sams.co.in। इस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इस लिंक पे जाके आप यहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये तो जो वैकेंसीज निकली हुई है 3570 उसका नोटिफिकेशन है। इसके जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो देखो ये 3800 जो पोस्ट निकली हुई थी उसकी जो वैकेंसीज के बारे में सारी चीज़ बताई गई है। अभी वैकेंसीज में देखें, जो स्टूडेंट ने भोपाल ग्वालियर इंदौर और जबलपुर उज्जैन जिस सेंटर्स में ये एग्ज़ाम के जो फॉर्म डले हुए थे और जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था और जिन्होंने चॉइस फिलिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग सारे स्टूडेंट यहाँ पर जाकर इन फाइल्स को क्लिक करके आप अपने सारी चीज़ देख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट का कहाँ पर नाम आया हुआ है, और उसमें आप डेट भी देख सकते हैं क्या डेट रहने वाली है आपकी, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो स्टूडेंट्स इसमें अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसमें यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, नेम ऑफ कैंडिडेट, एज, ठीक है, आपने कोर्स क्या कर रखा है, नेम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मोबाइल नंबर, स्टेट, कॉलेज वगैरह, आपने कौन से ईयर में BSc नर्सिंग किया था, पोस्ट BSc किया था। यहाँ पे आपके BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो आपने यहाँ पे आपके नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है, डिक्लेरेशन, रिजल्ट, मार्कशीट इश्यूड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये फॉर्म डाउनलोड करनी है और उसमें भर लेनी है। आपको फॉर्म फिलअप कर लेना अच्छे से, और आपको अटैचमेंट ये यहाँ पे दिया गया अटैच डिलीवर ऑर्डर, ठीक है, कॉलेज से जो रहता है वो सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन करवा लेनी है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्स की अपन बात थोड़ी सी करते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म डिले फिल्ड बाय कैंडिडेट, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc जो नर्सिंग है यहाँ पे उसकी मार्कशीट लगने वाली है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि आपका CHO का एडमिट कार्ड था, आपको एडमिट कार्ड, फिर ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना, MP डोमिक मतलब MP का जो सर्टिफिकेट रहता है वो आपको बनाना है, कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनाना है, रिलीविंग सर्टिफिकेट, BSc नर्सिंग इंटीग्रेशन सर्टिफिकेट अस पर अपेंडिक्स फर्स्ट एंड सेकंड, और काउंसिल का मतलब जो जीवित पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन जो आपका रहता है वो, और डिग्री सर्टिफिकेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लगानी है। और आपको अपने फॉर्म ये फिलअप करके ले जाना है, इसमें आपको प्रिंट आउट निकल लाना है, और आपका जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वहाँ आपको जो डेट बताई गई है लिस्ट में जिसमें आप देखेंगे अपना नाम आया हुआ है, वो जाके सारी डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन करवाने हैं। इन्फॉर्मेशन सारी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। इसके अलावा बात करते हैं जो 3570 जो वैकेंसीज निकली हुई है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं GKM नर्सिंग करियर पॉइंट के साथ में। तो स्टूडेंट्स इसके लिए न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जल्दी दिए गए नंबर पर आप डिस्क्रिप्शन में उस पर आप पूरी डिटेल से जान सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड मेडिकल फील्ड से हर कोई जुड़ी वैकेंसीज को आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।